हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे, फेडरल आर्मी की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी टीए आर्मी ओपन डेली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में भारतीय किसी भी राज्य से आप भाग ले पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो टेरिटोरियल आर्मी की ओर से नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। इस भर्ती में आपको भारतीय किसी भी कोने से मौका दिया जाएगा, यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर रैली के लिए दी गई है। कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है, संपूर्ण जानकारी पिछड़ियो में दी जाएगी। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट पिन कर दिया गया है। आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो कॉन्स्टेबल क्लर्क ट्रेडमैन प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी कुछ वीडियो में आगे मिल जाएगी। नंबर ऑफ जो वैकेंसी रहेगी तो नोट मेंशन नहीं बताया गया कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार दी गई है, और कभी भी इंडियन आर्मी जब भी नई भर्ती का नोटिस जारी करता है तो उसमें मेंशन नहीं होती कितनी वैकेंसी यहाँ पर इस बार दी गई है। और आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है जोन के अनुसार आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ के अंतर्गत आपको यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो कौन से जोन में आता है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बता देना है, तो आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। अप्लाई मोड जो होगा आपको यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती होगी, जिस एड्रेस में आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको प्रेजेंट होना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। अप्लाई मोड जो होगा डायरेक्ट भर्ती होगी, जिस एड्रेस पर मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। जो पोस्ट नेम रहेगी, टोटल आपको यहाँ पर 5 प्रकार की वैकेंसी दी गई है, ट्रेनमैन 8th पास, ट्रेनमैन 10th पास, नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर किलर, और आपको यहाँ पर जीडी यानी जीडी कांस्टेबल के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर जो वैकेंसी मिलने वाली है सभी की सभी ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जो भी लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 15,500 लेकर 69,400 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें, यू आर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएं, कोई आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अदर लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनकी जानकारी भी चेक कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी सभी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई हाइट नहीं रखी गई है। जो आपका चेस्ट होगा 70+5 सेंटीमीटर का फ्लॉ भी होना अनिवार्य, केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए। वेट आपका यहाँ पर 50 kg कम से कम होना अनिवार्य, फीमेल के लिए यहाँ पर 40 kg आपका यहाँ पर वेट भी होना अनिवार्य है। जो आपको दौड़ लगानी होगी 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पर दौड़ कंप्लीट करनी होगी। अगर आप 1600 मीटर की दौड़ को 5:30 से कम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा, यानी कि 60 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से 5:31 से लेकर 5:45 में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा, यानी कि 40 नंबर दिए जाएंगे। पुशअप आपको यहाँ पर 10 लगाने होंगे। इस भर्ती की जो एज लिमिट रहेगी, यू आर जनरल कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी के लिए 18 से 42, 10 जनवरी को एज काउंट की जाएगी, यानी 10 जनवरी को आपकी एज ना तो 18 से कम होना है, 42 से ज़्यादा हो। आपको यहाँ पर एज में जो छूट मिलती है, ओबीसी वालों को 3 ईयर की, एससी वालों को 5 ईयर की, वो रूल यहाँ पर इस भर्ती के लिए लागू नहीं होगा। इस भर्ती के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिंपल, 10वीं 12वीं पास अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जीडी के लिए यहाँ पर 10वीं पास होना अनिवार्य 45% अंकों के साथ, और हर सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर भी होना अनिवार्य है। जो क्लर्क की वैकेंसी हुई फर्स्ट डिवीजन 12वीं में होना अनिवार्य है। जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, और आपके जो यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर भी होना अनिवार्य है। जो ट्रेडमैन की वैकेंसी होगी सिंपल, 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है, 4 से 6 फोटो आपको लेकर जाना होगा रैली के लिए, जिनका बैकग्राउंड और लाइट कलर का मांगा गया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन में सभी जानकारी, फोटो और सिग्नेचर देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट को देना होगा, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है, रैली में आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यहाँ पर यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर में जाकर गूगल ओपन कर लेना है। आपको यहाँ पर टाइप करना होगा टी ए आर्मी भर्ती 2024 डेट लिखना है,
और सर्च पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, आपको यहाँ पर यूनिक फ्रेंड्स वाली वेबसाइट मिल जाएगी। आपको यहाँ पर सभी जानकारी बिल्कुल फ्री में दी गई है, इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। सभी जो उनकी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जाम रहेगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। इस भर्ती की जो रैली की डेट होगी उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है। 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी को आपको यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम जो आपका रहेगा 2 मार्च को आपको यहाँ पर एग्जाम भी लिया जाएगा, यानी 22 फरवरी से आपके यहाँ पर रैली भी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए जाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट आपको ले लेने, उनके जीरोक्स करा लेने, सेल्फ रजिस्टर्ड आपसे यहाँ पर करा लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर 4 से 6 फोटो लेकर जाना होगा। इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पर क्लिक करते हैं और फुल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। शॉर्ट नोटिस आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर सभी लिंक अपडेट हो जाएंगे, वहां से आप इस भर्ती फुल नोटिफिकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।